कक्षे बैठने का जैसे मकसद ये था कि हम इधर आए तो आपको भी पंप शंप ना मारें, फिर मोटिवेट ना करें, बल्कि कुछ नॉलेज के बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि इलम ही असल ताकत है। इलम के बगैर अगर आप कोई काम करेंगे तो चाहे उसमें आप जितनी मर्जी मेहनत करें, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपके सीओ का झुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कुछ नॉलेज के बारे में बात करने के बारे में। तो अभी हम दोस्त ना वो वाले उन क्वेश्चन को देखेंगे जो सवाल लोग हमें करते हैं, कि वो वाली बातें भी हम दोस्त आपसे शेयर करेंगे कि जो बातें दोस्त हमसे किया करते हैं, सवाल वगैरह। कौन से सवाल? जब आप अपने दोस्तों का फॉलो अप करने जाते हैं, जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो आप ही के दोस्त आपको बातें कर रहे होते हैं। अभी हम लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। तो आपके दिल में जितने भी सवाल हैं, आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं और आपके जितने भी मसाइल हैं, आप वो बताइएगा कि आपको काम करते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर तो आपका कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आ रहा, तो इसका तो एक ही मतलब है कि आपको लोग काम नहीं करते, क्योंकि मसले हमेशा काम करने वालों को आया करते हैं। और एक और भी कॉल है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर आपको अपने काम में कोई मुश्किल ना आए, कोई मसला ना आए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका काम नहीं ठीक या आपका काम करने का तरीका नहीं ठीक। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके साथ हो सकती है, या तो आपका काम करने का तरीका नहीं ठीक होगा, या फिर आप काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे होंगे, या आपका काम नहीं अच्छा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मसले आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो इस चीज़ का सबूत है कि हमारा काम अच्छा काम है। तो आप ना हमें वो उन प्रॉब्लम्स को आप हमें बताइएगा जो सवाल लोग आपसे करते हैं। सवाल कि आप अपने दोस्त का फॉलो अप करने गए हैं और आपके दोस्त ने जाते ही आपको दो तीन सवाल पूछ लिए, वो सवाल आप बताइए जी। तो पहली बात तो है कि सवाल वो पूछते नहीं है, सुनते रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अगर तो कोई शख्स सवाल नहीं पूछता तो इसमें भी दो चीजें हो सकती है, कि एक तो यह चीज की उसे सब कुछ समझ आ गई है जो किसी को भी नहीं आती, दूसरी चीज वो आपसे पूछना नहीं चाहता। तो जो शख्स आपसे सवाल नहीं करता खुद उससे उल्टा सवाल कर ले, जैसे हम अपने दोस्तों से करते हैं, हम अपने दोस्त का फॉलो अप करने गए और हमारे दोस्त ने हमें कह दिया कि भाई मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे तो हर चीज़ क्लियर है। अच्छा, आपको हर चीज़ क्लियर है? यार मैं ये बताओ यार, कल मैं अपने एक दोस्त के पास गया, उसने मुझे कहा कि ये काम हराम है, तो आपको लगता है कि ये काम हराम है? अब वो दोस्त खुद आगे से कह देगा यार मुझे भी यही लगता है कि ये काम हराम है। या आप उल्टा से पूछ रहे, चले आपकी तो सारी चीज़ें क्लियर है, आपके ख्याल में अगर यही वाला काम आप अपने किसी दोस्त को बताओ तो आपका दोस्त ये काम क्यों छोड़ देगा? फिर वो कहेगा शायद इतना काम ना कर सके। तो वो दरअसल होता ही है कि वो किसी और के कंधे पे बंदूक के रख के चला रहा होता है, तो उसका अपना सवाल होता है। इस तरीके से आप सवाल निकालिए मेरे, और बल्कि फॉलो अप में तो हम सभी दोस्तों को यही कहते हैं कि आप जब फॉलो अप करने जाएँ तो अपने दोस्तों के सवाल अगर वो खुद नहीं कर रहा तो आप उल्टा उसके सवाल करें, तो वो ज़रूर बताएगा, फिर वो ज़रूर अपने प्रॉब्लम को आपसे डिस्कस करेगा। अगर वो नहीं बोल रहा तो आप उससे मिलवाएं, क्योंकि अदालत तो सबूत मांगती है ना, फिर उसके आप सबूत पेश करें, फिर अपने सवालों के। बाकी देखें हम जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग मेरी बात से एग्री करो, मुत्तफिक हो, आप मेरी बात के साथ मुत्तफिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग लॉजिक से बात करेंगे, अगर आपको पसंद आता तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आता तो फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। आपको किसी ज़बरदस्ती नहीं समझाया जाएगा भैया ये ही चीज़ आपने करनी है, आपने बस काम ऐसे ही करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको जैसे भी दिल करे आप इस सिस्टम को वैसे ही लीजिएगा। तो सवाल आराम, आपकी उम्र कितनी है भाई? 17 साल। माशाल्लाह 17 साल का लड़का पूछ रहे काम आराम है क्यों ना? ये आप लिख लें सवाल, साथ साथ लिख लें जो डायरी है आपके पास, जिनके पास नहीं है वो दरवाजे खुले हुए। बस भट्टी साहब ने बात की थी कि जो दराने से कोई भी नहीं वहाँ जाएगा,
लेकिन अगर किसी का दिल करे बाहर जाने का तो जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आसाम में आप लोग, हम आसाम में लड़के नागरिक व्हाइट बोर्ड पे लिख लें। ऐसे ठीक है मेरे ख्याल, ऐसे ठीक है, ठीक है। अच्छा पहला सवाल जो दोस्त ने किया, भाई का नाम क्या है? नबीर अहमद बड़ाई साहब। नबीर अहमद अराई महर अराई साहब। नबीर अहमद अराई साहब मियां, जनाब मोहतरम मियां नबीर अहमद अराई साहब ने सवाल फरमाया है, क्या ये काम हराम है? वो पहला सवाल हो जाए। और हर फसल में है मेरे। हाँ बिल्कुल, सवाल ही नहीं सर। मेरी सेवन बाई एट की टीम है और मैं स्टूडेंट हूँ सबकी एग्जाम। सर घर के हालात कुछ ऐसे वैसे मुझे ठीक नहीं है, तो मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छे अंदाज में जो है कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना टेस्ट जो है वीकली पर वीकली बनना चाहिए। तो पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे ना, सबकी प्रॉब्लम को सिर्फ पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। डाटा अगर लॉस हो जाता है सारा का सारा, जस्ट जीए रह जाता है पीछे रह जाता है। हम ना तो हम शायद मैं अपनी बात ठीक ना समझा नहीं पाया। हम ना अभी वो सवाल देख रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त का फॉलो अप करने गए हैं और आपके उस दोस्त ने आपके सवालों की बारिश शुरू कर दी है। मोस्टली लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ऑलरेडी मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं है और पैसे नहीं, सूद है पैसों वाला भी मोस्टली होता है। पैसे नहीं है, आगे मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस काम में। अच्छा मुझे इस काम का शौक नहीं है। आगे ये 50 सवाल हो गए भैया, 50। हाँ अराई साहब आप सही कह रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा बंदे फंसाने वाला काम, बंदे ये काम जी सर बेवकूफों वाला है। बेवकूफों वाला काम है कि आप अपने जो है $30 के लिए पता नहीं कितने डॉलर कंपनी को देते हो। सर वो कहते हैं चैनल भी आई थी, मैं कंप्यूटर नहीं, मैं इंसान और मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, मैं पेपर नहीं दे रहा। ये बेवकूफ़ों वाला काम है $30 के लिए क्या? आप अपने $30 के लिए दोस्तों के $180 लगवाते हैं? $180 नहीं, आप 210। ये बंदे फंसाने वाला। और तावन करेंगे, भाली तावन करेंगे। हमने मैथ नहीं करवाना, जो हमें तावन चाहिए बंदे देंगे, बंदे देंगे। अच्छा हम आपको बंदे दे देंगे लेकिन खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे, मेरे को सिर्फ बंदे ही देने लिखे। हम सिर्फ बंदे ही देंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। डन हो गया जी सर। अच्छा बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं। आप ये नहीं चीज़ करेंगे, ये ज्वाइन कर लेंगे पर काम नहीं करेंगे, कर लेंगे जी सर। लोग कहते हैं कि ये दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला काम है, हिम्मत ये मिन्नत करने वाला, हाथ फैलाने वाला मतलब मिन्नत करने वाला काम है। डन लोगे आगे प्रोमिस कर रहे थे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमने जीएमए ज्वाइन करना है। बोझा साहब ये अगर अपनी वॉच उतार के दीजिएगा, नहीं अपनी नहीं मेरी, मेरे साइड अपनी कैमरा
अदनान बोला साहब, लेकिन वो देखो तो उनका नाम लिखा हुआ है, मेरा नहीं ना आपके नाम लिखा है, मैं जा रहा हूँ। ये देखें ये वाली घड़ी ना $650 की है, इस घड़ी से मैंने $30 डिलीवरी चार्जेस किए, $650 का मतलब है तकरीबन 63,000 रुपये। ये सिर्फ घड़ी है, इसके मैंने $30 डिलीवरी चार्जेस दिए $2,500 रुपये, और ये वाली घड़ी तीसरे दिन मेरे घर पर मुझे मिली। आप लोग ये $70 की घड़ी लेते हो ना, ये संभाल के रखने का, मैंने किसी घर पर डाल दिया नहीं बल्कि मैं खुद ही पहन लेता। ठीक है, क्या होता है कि आप लोग जो वॉच में परचेज करते हैं ना, आप लोग ना तो उसके डिलीवरी चार्ज देते हैं, ना ही आप लोग उसका कस्टम क्लियर करते हैं, और पता नहीं यार मेरे ख्वाहिश बड़ी हो रही है, और ना ही आप लोग उसका कोई कस्टम क्लियर करते हैं। ये जितना भी कुछ कर रहे होते हैं ये आपके सीनियर्स मिलकर कर रहे होते हैं, और आपकी वो जो प्रोडक्ट जो पहले लेट थी, वो जो प्रोडक्ट जनाब मौलाना हजरत अदनान बोल्ला साहब अपने साथ ले आए हैं, और अभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंसान को जाए मर्द के लिए सोना जाएगी, तो ऐसे ही है यार, अगर आप सिक्योर के साथ सोओगे तो वो तो जाएगी नहीं। तो सही कह रहे हैं यार, इसमें गलत क्या है सर? हमारे पास बैठे मैंने इस चीज का अच्छे से पता, मर्द के लिए भी नहीं और सिक्योर के लिए भी नहीं, ना महरम ना महरम के साथ सोना जाएगी। गोल्ड क्या? अच्छा गोल्ड, गोल्ड हाँ वो लिख लिया है आगे जी। तो सर जी, टीचर को मैंने अपने बिजनेस के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा कि तुम इतने बंदे मुझे ला के दो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा पैसे, मैं खुद नहीं। अच्छा कि हम अपनी कंपनी खोल लेते हैं मतलब। हाँ जी। चलो चलो, आपका नाम सचो रशीद अहमद आगे रशीद रजा आगे अराई तगड़ बोंदला भुट्टा भुट्टा साहब। चलो भुट्टा साहब, हम मिलकर अपनी कंपनी बना लेते हैं। माशाल्लाह मुझे GMA का पता चल गया, मुझे प्लान की भी समझ आ गई है, मुझे ये भी पता चल गया पैसे देने कैसे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं लीडर भी बन गया। अब हम मिलकर अपनी कंपनी खोलते हैं। चलो भुट्टा साहब, हम मिलकर अपनी कंपनी खोल लेते हैं। अच्छा ही खोल लेते हैं, ऐसे कहते हैं जैसे दुकान का शटर डाउन किया, शटर ऊपर करेंगे कंपनी बन जाएगी। आगे और क्या लुटेरे दूर से ही कह देते हैं लुटेरे वाले। अच्छा ये फ्रॉड है मतलब, फ्रॉडिया आ गया। दूर से देख कर ही भाग, अगर तो भाई जान वो आपको दूर से देख कर ही भाग जाते हैं तो फिर आप बुलाते जी हैं। सर एक और सवाल है कि गोल्ड जो है बायर जो है उसकी इतनी रुकर नहीं है, लोग अपने जूतियों पे बकर बना के सोने के रखते हैं, वो अपने पाँव में रखते हैं, हमें वो सेल करते हैं अपने दामों में, लेकिन इससे जो है आप वो आम की चीज़ है उसकी उनको कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ऊपर वाले बैठे की कुछ जोड़े की तो बड़ी प्लानिंग है। मतलब आसान लफ्जों में अगर हम कह जाए तो गोरों का फायदा नहीं, गोरियों का नहीं, नहीं गोरों का, गोरों का फायदा, गोरों का फायदा। इसके साथ एक और चीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान का ही खाता हूँ, पाकिस्तान का ही पीता हूँ, और पाकिस्तान का पैसा बाहर जा रहा है, पाकिस्तान का पैसा बाहर जा रहा है। आगे नए दोस्तों से टाइम कैसे ले रहे हैं? तो इन्विटेशन का फड़ा है ना जी, तो इन्विटेशन ज्वाइन हो जाते हैं वो टाइम नहीं देते। अच्छा लोग ज्वाइन कर लेते हैं फिर टाइम नहीं देते, टाइम फोन ही नहीं उठाते ज्वाइन करने के बाद। कौन बात हो सर जी? सर वो कहते हैं कंपनी UK की है, नॉर्वे की, तो टाइम पिछले दिनों में उन्होंने काम हम तो माशाल्लाह बहुत ही
है मुसलमान ज्यादा वाले तो हम गुस्ताख है रसूल के साथ। क्यों सर वो कहते हैं कि अब उनकी और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई है तो वो पहले खतरा है कि वो अगले साल भाग जाएगी कंपनी भाग गई पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी। हाँ कंपनी पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी मतलब कंपनी भाग गई झगड़ा पाकिस्तान से उनका तो वो खत्म कर देंगे पाकिस्तान वो जो इदारे में और फिर एक दोस्त है वो कहता है कि मुझे पता है कि कंपनी नहीं भागेगी लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि हमें क्या सबूत है हमारे पास से कंपनी कब भागेगी भागेगी नहीं वो यही कहता है कि नहीं भागेगी लेकिन इस चीज़ का कुछ सबूत भी होना चाहिए बातों से तो आप मुतमिन कर लेंगे लेकिन क्या सबूत है कि नहीं भागेगी लीगल वेरिफिकेशन अगर कंपनी भागी तो उसका जिम्मेदार कौन है कंपनी भाग गई तो उसका जिम्मेदार कौन है जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें उसकी कोई रसीद क्यों नहीं मिलती जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें इसकी रसीद क्यों नहीं मिलती डन हो गया जी बिल्कुल ठीक है हाँ इसका दस्ती जॉब देखते हैं वो एक दफ़ा इस तरह हुआ कि इंग्लैंड वालों ने ना वो लतीफ़ा शायद सुना होगा अपने मैसेज में भी लिखा होगा कि एक ना वो ब्रीक थी उन्होंने बिल्कुल दुनिया की सबसे ब्रीक सुई बनाई और वो सुई ना उन्होंने अजैब घर में रख दी तो पूरी दुनिया के लोगों ने डिमांड शुरू कर दी कि आपने दुनिया की सबसे ब्रीक तरीन सुई बनाई है तो हमें भी चेक करवाएं। उन्होंने क्या किया कि वो वाली सुई ना उन्होंने यहाँ भेज दी चाइना भेजी तो चाइना वालों ने सुई जरा चमका चमकू के वापस भेज दी इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड वालों ने वो सुई दोबारा भेजी इंडिया अब इंडिया वालों ने क्या कि उसके ऊपर नक्शा नगार कर दिए। अब आखिरकार एंड पे थाका हार के ना उन्होंने वो सुई पाकिस्तान भेज दी जब पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड गई तो उस सुई के ऊपर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। ये कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है ना वो भी ऐसी होती है आप लोग जो हम लोग जिसे कहते हैं कि ये जापानी टीवी है ठीक है वो टीवी जो होता तो जापान का है लेकिन उसके अंदर सारे के सारे पुर्जे जापानी नहीं होते इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग कि कंपनी को जिस जगह से जो चीज़ सस्ती मिलती है कंपनी वहाँ से वो चीज़ मंगवाती है और वो चीज़ें आपस में जोड़ के अपने नाम से सेल कर देती है जैसे फिलिप्स के ये एसी शेपी होते हैं कहने को तो जापानी होते हैं लेकिन अंदर मलेशिया की भी टेक्नोलॉजी होती है थाईलैंड की भी टेक्नोलॉजी होती है चाइना की भी टेक्नोलॉजी होती है और बाद में नाम किसका आता है फिलिप्स का मैं आपको वही तो बात बता रहा हूँ कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट सस्ता बनाना होता है ताकि उसकी जो एक्सपेंसिव है वो कम से कम हो एक्सपेंसिव उसके कम से कम होते हैं जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है तो कस्टमर्स को भी प्रॉफिट मैक्सिमम मिल रहा होता है तो आप इस तरह क्या करें फिर आप टाई ना लगाया करें। अच्छा इस काम में ये भी जरूरी नहीं है कि जी आपने पैंटे पहनी हुई है शर्टें पहनी हुई है टाइयां लगाई हुई है जूते अपने यहाँ लश पश किए हुए ऐसा कोई चक्कर नहीं है आपको जैसी ड्रेसिंग अच्छी लगती है वैसी ड्रेसिंग करो लेकिन वो ड्रेसिंग करो जिसमें कोई बंदा आपको तूतू मैं ना करे क्या जी उस्मान भाई ने कहा था जैसी मर्जी ड्रेसिंग करो आप जीन्स की पैंट पहननी इधर से भी फटी है इधर से भी फटी हुई है आगे लिखा हुआ है मैं वही है कल वाला और पीछे लिखा है मेरे नाल टकराई ना ठीक है अगर इस तरह का कुछ लिखा हुआ है तो ड्रेसिंग तो है लेकिन ये वो कारोबारी बंदे वाली ड्रेसिंग नहीं है ये कोई और ही कारोबार वाली ड्रेसिंग है मतलब के जो जिसमें आप इजी खुद को फील करें आप खुद को कंफर्टेबल फील करो वो वाले कपड़े पहने लेकिन इंसानों वाले बंदरों वाले नहीं कि खट्टे रंग की शर्ट पहननी है
ऊपर खाकी रंग की टोपी डाली हुई है, वो भी टेडी करके, और नीचे नीले रंग के वो जॉगर पहने हुए हैं, और ब्लैक कलर की आपने वो जीन्स की पैंट पहनी हुई है जो जगह जगह से जिसे वो टांके लगे हुए हैं, और अंदर वो गोटा फिनारी वाला अंदर काम भी किया गया है, तो वो इंसान वाले कपड़े नहीं होंगे। 24 नंबर सवाल, साइन अप होने के बाद अगर काम कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हैं आपने आसान सी मिसाल, अभी हम लोग ना वो अलवी नाम चले वाले थे, अलवी 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 नाम चले थे ना, अभी हमने माशाल्लाह भट्टी साहब ने फिर दो प्याले, भट्टी साहब की सेहत नहीं आपको लगेगा मेरी सेहत नहीं लगेगा, कि हमने ना कुछ तीन का प्याले ना हमने पावियों के खाए, अब पावियों के प्याले खाने के बाद पेट में हाथ फेरने के बाद मैंने कहा यार खाना नहीं अच्छा लगा मुझे, पैसे मेरे वापस वापस करेगा, ये कारोबार हो रहा है यार, इधर कोई दोस्तियां नहीं चल रही ना, इधर कोई यारी दोस्ती का वास्ता दिया जा रहा है कि भी तुम्हें मेरी यारी का वास्ता है, तुम्हें वो सलामी का वास्ता है, काम स्टार्ट कर दो, ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा, ये कारोबार हो रहा है यार, एक बड़ा से बड़ा सुपर स्टोर पे ऐसा होता है कि खरीदा गया माल वापस नहीं होगा, तब्दील हो सकता है वापस नहीं होगा, तो इधर कारोबार हो रहा है और वो भी इंटरनेट के थ्रू आप लोग कर रहे हो, तो इधर तो खरीदा गया माल वापस हो नहीं सकता, आप लोगों ने फसल पे स्प्रे कर दी है और फिर आपको नहीं यार ये स्प्रे नहीं मैंने कर दी, मेरे पैसे वापस, तो पैसे बस इधर भी काम कर रहे हैं, दोस्त ज्वाइन तो हो गए, काम भी शुरुआत में करते रहे लेकिन जब उन्हें पता चला कि काम थोड़ा सा है मुश्किल, अब वो कहते हैं कि हमारा काउंटर सेल करवा दो आपके से, क्योंकि उनको कैसे यार ये वाला जो सवाल है ना ये एंड पे हम ज्वाइनिंग के बाद, ये ज्वाइनिंग के बाद वाले, अभी हम ज्वाइनिंग से पहले वाले करते हैं, ज्वाइनिंग से पहले वाले सवाल की, दोस्त कहते हैं कि बिजनेस आप 12 लाख वाला कर रहे हो, ऑफिस आपका 12 लाख वाला नहीं है, तो पीछे वाले भाई ने कह दिया ना कि हम सावन करेंगे, तो उससे को भाई आप सावन कर दो, मैं तीनों जैसी शक्ल बना दे 14 साल से तुम्हें साढ़े नौ सावन ही कर दो, कि बात आप 12 लाख की करते हो, 12 लाख की करते हो, आगे ऑफिस का 12 लाख ऑफिस आपका 12 नहीं यार इतना भी सस्ता ना करो, 12,000 आगे जी, घड़ी के बारे में कोई सवाल नहीं किया आपने कि घड़ी इतने की बिक जाएगी, आमदनी मुस्तकिल नहीं है, घड़ी बिक जाएगी, कुछ दोस्त कहते हैं ऑफिस में नहीं आएंगे इस घर आके प्रेजेंटेशन दे रहे भाई, मुस्तकिल आमदनी नहीं है, मुस्तकिल आमदनी नहीं है, ये वाले भाई का सवाल क्या, घर आके प्रेजेंटेशन दे लो, मेरे ख्याल में बाकी के दोस्तों में लिखने की कोई जहमत मत कीजिएगा भाई, आप आओ भाई क्या कर रहे हैं, आगे भाई वो कहते हैं टाइम नहीं है ऑफिस आने का, शाम को घर आके प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, समझाना ऑफिस आने का टाइम नहीं है, घर आकर समझा जाओ, घर आकर समझा दें, डन हो गए आगे, हाँ बिल्कुल ये ये उनकी साजिश है, जब आप साइन अप फॉर्म फिल करते हो ना तो आपका डाटा CIA वालों के पास चले जाता है, हेलीकॉप्टर से आता है, घर से चीं करके उठाते हैं अमरीका ले जाते हैं, हाँ सीरियस कह रहा हूँ, हाँ ये लिख लिया हमने सवाल ना जिसमें गोरों का फायदा, ये इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर ली कि ये गोरों की साजिश है, ये लिखो ठीक है, जी सर वो लिख दिया था, दोस्त को जब ज्वाइनिंग कहते हैं कि ज्वाइनिंग आप अपने पैसे से करा दे, हाँ मेरे पैसे तुम दे दो, यही ना मेरे पैसे तुम दे दो जब कमीशन आएगा, मेरा कमीशन आएगा तो मैं वापस दे दूंगा, जी सर सॉरी आपका सर, दोस्त को प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं हम उसे कहते हैं मशवरा नहीं करना था, बिल्कुल
मोस्टली हम स्टूडेंट ही कर रहे हैं, तो हमारे पास तो जाहिर सी बात है घर से ही ले रहे हैं हम लोगों ने। तो फिर जब घर से मशवरा करेंगे तो मुझे भी गालियाँ जितनी पड़ी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। घर से इजाज़त कैसे ली? ठीक है, घर से इजाज़त कैसे ली? डन हो गए कैसे? देखिए रह गई बात ये कि अगर आप किसी को रोकेंगे ना कि मशवरा नहीं लेना, किसी को बताना नहीं, तो वो ज़रूर करेगा। आपसे कहें भैया मशवरा ज़रूर लो, मैं किसी को नहीं कहता मशवरा ना लो, मैं यूँ नहीं कहता, भैया मशवरा ज़रूर लो। आप बाहर जाके लूट मचा दो, ढोल पीटो, मस्जिदों में ऐलान करा दो, लेकिन सीख कर, क्योंकि ऊपर वाले का हुक्म हमें यही है कि पहले सीखो फिर सिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इस काम को सीख ना पाओ, सीखो ना और आगे सिखाना शुरू कर दो, तो वो काम जो आप कुदरत के कानून के खिलाफ कर रहे हो उसमें हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। जी सर आगे दिल नहीं करता, क्योंकि दिल तो फिर बड़े काम में मत, दिल तो बचते। हाँ ये वाला चीज, तुमने कितना कमा लिया है? जी सर इनकम क्यों नहीं बताते? वही वाला, तुमने कितना कमा लिया? सर अक्सर ये भी बात करते हैं कि मेरा प्लान दोस्त भी ज्वाइन हुआ था, उसे 2 साल हो गए हैं, 3 साल, उसने तो कुछ भी नहीं कमाया। तुम भी नाकाम हो जाओ, तुम भी नाकाम हो जाओ। मेरा दोस्त 2 साल पहले ज्वाइन हुआ था, उसको तो वो नाकाम हो गया, हो गया, तो आप भी नाकाम हो जाएंगे। डाल लोगे? सर मेरा जीएमएस की तरफ से हुआ। ओह नाइस। मेरा कह रहे हैं ये साल नहीं, मैंने नहीं करवाना। अच्छा यार जो दो गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में इधर बैठ के अपना टाइम जाया ना करें। गोल्ड की खालत चीज लेकर डन है जी, गोल्ड की खालत। आगे सर वाली घड़ी है। हाँ ये लिखा था मेरे ख्याल में, घड़ी दिख जाएगी ये लिखा। पेंडेंट का 30 रुपए वाली घड़ी है, 30 रुपए वाली पेंडेंट का कहते हैं ये वैसे ही है, पत्थर से उन्होंने डाल के दे दिया, कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, पेंडेंट जरूर है, 11 सवाल रहते हैं भाई, अपने अपने कर लो, बाद में ना कहना। नहीं नहीं करें, जितने कुछ तो कहते हैं कि घड़ी जो है हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई और ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो हमारे इस्तेमाल में भी आए, कारोबार के लिए मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या इस तरह की कोई और चीज़ जो घर के इस्तेमाल का हो। घड़ी हमारी ज़रूरत नहीं है, इसकी बजाय कोई और होनी चाहिए। ओके हो गया, नहीं आप खुद बोले यार मुझे। सर ऐसा नहीं है कि ये एक बड़ा ट्रैक है, पाकिस्तानी हालात के मुताबिक 7,000 6,000 अरेंज करना काफी। आप खुद बोल देना, आप खुद जी कुछ है इंटरनेट पे। अच्छा यानी कि जीएमआई का काम मुश्किल है,
पैसे ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, पैसे ज्यादा है लोगों के लिए, महंगा है। और दूसरी कंपनियां सस्ती हैं, डन हो गया आगे। दो बंदे वो लिख लिया हमने, वो शुरू में लिखा है, लिखा कम पढ़े लिखे दोस्तों को कैसे समझाएं, टीचर को, टीचर को कैसे, फीमेल टीचर को कैसे ट्रेनिंग दी, वैसे टीचर को कैसे इनवाइट किया, टीचर को कैसे बताया चाहिए। ओके हाँ वो भी लिख लिया हमने कि ज्वाइन हम कर लेंगे पर काम नहीं करेंगे। जी सर, तो क्योंकि हमारे अफसर का जो मतलब ये बता रहे थे उसका मतलब कोई है तो हमसे मतलब प्रोफेशनल अफसर जो वकील और डॉक्टर हो सारे मतलब कुछ नहीं है वहाँ। हाँ वो लिख लिया हमने टीचर्स को कैसे बताया जाए, इन्हें समझाया क्या कैसे जाए, अथॉरिटी खत्म होने वाली है कुछ महीनों में, भाग जाएगी कंपनी बंद, ऑफिस बंद, ये बैनर जला दिया जाएगा और फिर जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, ये नारे गूंजेंगे पूरे कुछ करना होगा। सर कुछ लोग दोस्त इन्विटेशन ही नहीं देते हैं, कहते हैं कि हमें इतना अर्सा हो गया काम करते हुए, हमारे एक मिशन नहीं बन रहे हैं और दूसरों को भी ला के फंसा ही देंगे, हमारे तो जाया हो गए, दूसरों हम तो फंस गए हैं, दूसरों को हम तो फंस गए हैं। दूसरों को नहीं संस्थाएं, ओके हो गया। वेरी फाइन की सिक्योरिटी खतर, आपके पास शनाख्ती कार्ड है दिखाएंगे प्लीज हम। इसके ऊपर लिखा हुआ तारीख है जरा 31/5/2011 और तारीख कंसीव 30/4/2021, मतलब 2021 के बाद आप इन्ना लिल्लाह है बनना है मेरे ख्याल में, बात समझ नहीं बिल्कुल। अगर किसी को समझ नहीं आई तो अपना पहले शनाख्ती कार्ड बना के अंदर आता है देख ले। हाँ ये थी इतना के सवाल करो यार मरने वाले, हुकूमत ने अगर कंपनी को भगा दिया, ज्यादा लड़के यंगस्टर थी में बाबे क्यों नहीं आए, क्योंकि वो शादीशुदा हो गए इसलिए नहीं आए। हाँ यही इसका जवाब है, नहीं वो ही बता दिया भाई वाला आईडी कार्ड वाले समझ नहीं मिलता। सर फॉलो अप करने जाते हैं तो वो कहते हैं 5-6 दिन का टाइम दे, फिर 6 दिन के बाद सोचते हैं फिर 5-6 दिन का टाइम, टाइम पे टाइम दे रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं जज साहब, आगे आपको पता ही तारीख पर तारीख दे रहे हैं, दे चलो यही लिखते हैं, दे रहे हैं जज साहब। हाँ बिल्कुल ये सर, इंटरनेट पर सर, एक सेकंड सर, फिर से एक सेकंड, इंटरनेट पर सिर्फ पाकिस्तान का ही डाटा पड़ा है, यही ना, इंटरनेट पर सिर्फ पाकिस्तान का ही डाटा, यूके के ऑफिस की नहीं है, यूके के ऑफिस की तस्वीर नहीं है, अब तुम लोग मुझे बताओगे कि पैसा कैसे कमाना। हाँ ये अब तुम हमें हमें क्योंकि साथ हमें बताओगे कि पैसा कैसे
कमाना है। सबूत है इंटरनेट पे जो दिखता है वो दिखता है इंटरनेट पे। मैं आपको अपना ट्री खोल के दिखाता हूँ। हमारे ट्री में अमेरिका से भी दोस्त ज्वाइन है, इंग्लैंड से भी दोस्त ज्वाइन है, चाइना से भी हैं, ओमान से भी हैं, सऊदी अरब से भी हैं, अरब एमिरेट से भी हैं, इजिप्ट से भी हैं। मेरे पास साइना फार्म खोल रहे हैं और जितने कंट्रीज शो हो रहे होते हैं वहाँ पे काम चल रहा है। सब कुछ कहते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, इतनी बड़े इसके जो हो रहे हैं सेशन वगैरह हो रहे हैं, मीडिया को तो इस तरह की खबरें चाहिए होती हैं, exactly. मीडिया भी नहीं आई ये शायद मीडिया पर नहीं सर वो बात नहीं है, मीडिया पर कोई खबर नहीं है। मतलब इतना मशहूर जो है ये मीडिया वालों को तो इस तरह की खबरें चाहिए, वो तो खुद बनाते हैं इस तरह की। इसका जवाब दस्ती अगर मैं आपको दे दूँ तो कैसा रहेगा? इससे बेस्ट कुछ आम दस्ती। यस सर, क्योंकि क्योंकि आप इतने मनहूस हैं कि आपने ऐसा भी ऐसी चीज देखी नहीं है। नहीं सीरियस बात है, वो बंदा जो कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही ना हो उससे आप क्या कहोगे? एक अच्छी चीज चल रही है और अगर आपने जानबूझ के छोड़ दी है, ये कोई बंदा अपनी ब्लूटूथ फोन करेगा आप में से? कोई नोकिया का ओरिजिनल मोबाइल कर ला यार।